तो आज आप और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पूरे शो में ये बात बताकर जाइएगा। अरे मैं क्यों बता के जाऊंगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? के शर्मा से पूछे, राजीव रंजन से पूछे, मैं क्यों बता के जाऊंगा? आपकी कौन सी स्कीम है अबे दुबे, कौन सी स्कीम है जो इन्होंने चुरा ली अपने बजट के लिए? खटाखट 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 वाली पहली नौकरी पक्की कि जिस विद्यार्थी ने कॉपी खाली छोड़ी है उसको रंग मोदी जी के लिए। अभी तो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, कभी कहते हैं हमारी स्कीम चुरा ली। और वंदना और कीर्तन गा रहे, बेहयाई कर रहे प्रवक्ताओं का, बदतमीजी करना बंद कर, गुंडों की पार्टी का प्रवक्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों पहले तो डिबेट में न्यूज एंकर ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मजे लिए और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को रेला। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। अबे दुबे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या फिर इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट मैं पढ़ रहा था और आपके नेताओं के बयान भी सुन रहा था। एक तरफ कहते हैं हमारी स्कीम चुरा ली, फिर कहते हैं उसके साथ साथ कुर्सी बचाओ बजट है, फिर कहते हैं सहयोगियों को खुश करने के लिए है लेकिन उसमें खोखले वादे हैं, फिर कहते हैं क्रोनीस यानी उद्योगपतियों को खुश करने के लिए है, आम आदमी को राहत नहीं है, फिर कहते हैं कॉपी पेस्ट है। मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहे हैं मानक जी। देखिए ये तो बैसाखियों का बजट है, ये बात तो आज साफ हो गई। और राहुल गांधी जी ने जब कहा खोखले वादे हैं, तो आज आप और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पूरे शो में ये बात बताकर जाइएगा कि जो बिहार के लिए पैकेज अनाउंस किया है 26,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे का, क्या सरकार अपनी जेब से वो पैसा देगी कि बीओटी के प्रोजेक्ट से? अरे मैं क्यों बता के जाऊंगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? के शर्मा से पूछे, राजीव रंजन से पूछे, मैं क्यों बता के जाऊंगा? अब मैं ये कह रहा हूं इसीलिए तो झुनझुना, आप देखिए अमरावती के लिए या जो उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट की बात की, मैं 2017 से देख रहा हूं पोलावरम के लिए वो कहते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए जो कास्ट एस्केलेशन हो गया उस प्रोजेक्ट का, 1,00,000 करोड़ रुपए अमरावती के डेवलपमेंट, राजधानी के डेवलपमेंट के लिए मांग रहे थे, अब 15,000 करोड़ रुपए कमिट किया है और वो भी ये अभ्यस्त है सरकार। इससे पूछिए बिहार के 1,42,000 करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ, तो जवाब नहीं देते बनता इन लोगों से। तो मैं राजीव रंजन जी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा हुआ है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं ये गठबंधन का बजट कैसे है, कुर्सी बचाओ बजट कैसे है, जब आप खुद ही कह रहे हैं खोखले वादे हैं उसमें? तो हाँ तो ये तो इनको तय करना चाहिए, या तो इन राजनीतिक दलों ने मिलकर देश को मूर्ख बनाया या इन राजनीतिक दलों को धोखा दिया मोदी सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, सिर्फ वे का ना सुर्खियां बटोरने का काम किया गया। और ये कौन सी स्कीम आप कह रहे हैं जो आपकी आपकी कौन सी स्कीम है अबे दुबे, कौन सी स्कीम है जो इन्होंने चुरा ली अपने बजट के लिए? आप कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो से उठा ली? अरे खटाखट 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 वाली पहली नौकरी पक्की खटाखट, राहुल गांधी देते थे इतना घबरा गए ये कि इन लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट किया और कोई प्लान नहीं है। मैं तो अभी चुनौती देता हूं 500 नहीं 50 कंपनी बता दे जिसमें 20,000 लोग ये रखेंगे, अभी बता दे के शर्मा जी, छोड़िए 500 की, तो ये साफ क्या है, इन लोगों ने मजाक बना दिया है एग्रीकल्चर। अरे वो आप ही की स्कीम है, आप उसी स्कीम में अबे दुबे एक सेकंड, आपने कहा आपकी स्कीम है 1,00,000 करोड़, आपने कहा आपकी स्कीम है जिसको इन्होंने चुरा लिया, तो उस स्कीम पर तो कम से कम सवाल मत उठाइए आपको, बल्कि इनको ये बताना चाहिए कि इसको ऐसे इंप्लीमेंट कराइए। कौन
पॉसिबल है। अबे दुबे बना करके अबे भाई ओके, 10 में से कितने नंबर, 40% संसाधन कमा रहे हैं, 10 में से कितने नंबर, 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपया गया है, 100 लोगों के पास 10 में से कितने नंबर बजट को। मुरली मनोहर जोशी जी का जवाब बहुत एप्रोप्रिएट था कि जिस विद्यार्थी ने कॉपी खाली छोड़ी है उसको रंग कैसे दे दो। मोदी जी के लिए पूछा उनसे कि कितना अंक दोगे, तो उन्होंने कहा जो विद्यार्थी अभी तो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, कभी कहते हैं हमारी स्कीम चुरा ली, कभी कहते हैं गठबंधन बजट है, अब कह रहे हैं कॉपी खाली छोड़ दी। कमल क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल। स्कीम चुराते हैं आचरण नहीं चुरा सकते। अच्छा ठीक है ओके, के शर्मा तो लाना पड़ता है। के शर्मा पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसी मनोरंजन चैनल देखने की जरूरत नहीं है। मानक जी से सवाल तो पूछ लीजिए कि वो टोल तो नहीं लगेगा उन रोड पे, देख रहे होंगे वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए हमें। यही नहीं, अभी और सुनिए, बिहार को और आंध्र को ज्यादा मिल गया क्या काम मनोज? नहीं, हम सभी को किसी भी तरह का कोई बुरा नहीं लग रहा है। हम सब और हमारे नेता का ये मानना है कि संपूर्ण देश का अगर समग्रता के आधार पर और समता के आधार पर विकास हो, चूंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि समृद्धि और समता ही हमारे संविधान की भी प्रस्तावना की भी भावना है और हम सभी की, लेकिन जो हमारे नेता ने बात कही है कि ये बजट है नाउम्मीदी का पुलंदा और शुक्र है कि अभी आम इंसान है जिंदा, उससे आगे मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। ये देश जानना चाह रहा है कि जिन विषम परिस्थितियों से और जिन बड़ी समस्याओं से ये देश जूझ रहा है, आज हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 11% से भी ज्यादा है, आज शहरों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी, आज एक जो रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे जो एशिया के 10 जो करेंसी हैं उससे सबसे कमजोर करेंसी भारत की है, आज हमारी हालात क्या है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहां खड़ा है, जो सरकार ये कह रही है कि उसका फिस्कल डिफिसिट जीडीपी के मुकाबले 4.9 रहेगा, वो सरकार ने ये नहीं बताया कि देश के 140 करोड़ लोगों के कंधों पर उसने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज 250 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उस सरकार ने ये नहीं बताया कि इस देश के सरहदों की सुरक्षा करने वाले लोगों के वो अग्निवीर बना दिया और अग्निवीरों के लिए कोई बेहतर उपाय, हमारे नेता ने कहा कि कम से कम जो लोग फौज में शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए से मदद करी जाए। जो मुख्य समस्या, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन समय और श्रम दे देता है सरकार को, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार का सारा विकास, आज जो 56,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला है, क्या पता कि कैसा होगा, वो नरेंद्र मोदी के वैसा ही होगा जैसा वो एक बार कहते थे कि 25,000 करोड़ दे दें, 50,000 करोड़ दे दें, चलो 1,25,000 करोड़ दे देते हैं। तो जब मोदी जी के मुंह से निकली हुई बात सत्य नहीं हुई तो निर्मला सीतारमण के मुंह से निकली हुई सत्य नहीं हो सकती। हो सकता है कि उसका विकास और 56,000 करोड़ भी वैसे ही दिखे जैसे नरेंद्र मोदी का बिहार में दरभंगा दिखा, और दरभंगा एम्स आज तक बिहारवासी हमारे बुद्ध के लोग खोजते रह गए, तो बीजेपी के झूठे लोग हैं, निरा झूठ पर ही इनकी। तो सवाल यह है कि जब आपके किसी आपके सरकार को, सरकार के मुखिया को, सरकार के मंत्रियों को और वंदना और कीर्तन गा रहे, बेहयाई कर रहे प्रवक्ताओं को समझाओ, जब लोगों के आम दुख दर्द और पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं हो तो सच कहां बोला? भाषा थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़ा सा भाषा कंट्रोल करो। पार्टी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी, भाषा कंट्रोल करके बोलो, मैं खत्म कर रहा हूँ, समझ गए? ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा, देश के गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा नहीं चलेगी। अपने समय के समय बोलना, क्या क्या समझ गए? के अभी बताऊंगा कौन है भैया, कौन है गुंडा, ज्यादा तुमसे कौन है माफिया। मैं कह रहा हूँ कि चुप रहो, बदतमीजी करना बंद करो। अब तुम्हारा मुकाबला वो भंडारी को प्रवक्ता बना दिया, बदतमीजी करना बंद कर, गुंडों की पार्टी का प्रवक्ता गजब बेइज्जती है। तो आप गुंडों माफियाओं की पार्टी का प्रवक्ता हो, आप भाषा सीखो, देश की सरकार समाज में रहने की भाषा सीखो।
दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।